Welcome to Day 4. Today we'll be traveling to the Skit Monastery and from there we'll be going to Pangong Lake. सुबह के नाश्ते में गर्मा गर्म चाय, सैंडविच और पूड़ी सब्जी है। हमारे कैंप के बाहर ही यह बड़ा सा माउंटेन है। अभी हम जा रहे हैं डिस्किट मॉनेस्ट्री। बहुत दूर से ही हमें 106 फीट मैत्रेय बुद्ध स्टैचू दिखने लगी है। डिस्किट मॉनेस्ट्री के प्रेयर व्हील्स बहुत ही सुंदर हैं। डिस्किट मॉनेस्ट्री अपने लोकेशन के लिए फेमस है। इसे 14th सेंचुरी में बनाया गया है। वाओ, मैत्रेय बुद्ध स्टैचू शोक रिवर की तरफ फेस किए हुए हैं, जिस तरह पाकिस्तान भी है। नज़ारा देखते ही बनता है। बुद्ध स्टैचू के पीछे एक टेंपल भी है। यहाँ पर बुद्ध की काफी सारी झांकियां, पेंटिंग सब कुछ अरेंज्ड है। अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। यह डिस्किट मॉनेस्ट्री है जो लेयर्स में बनी है। लामाज यहीं रहते हैं। आज का सफ़र है नुब्रा से पैंगोंग, जो कि 230 किलोमीटर होगा। हमको शायद 6 घंटे लगेंगे। वाइट सैंड्स को अलविदा कहते हुए हम आगे निकल गए हैं। इन्हीं सैंड्स पर भाग मिल्खा भाग शूटिंग पॉइंट है, जहां पर एटीपी राइड और जिपलिन भी मिल जाएंगी। ग्रुप पैंगोंग पहुंच गई है। पैंगोंग द होली लेक।
पैंगोंग लेक में फ़ोटो शूटिंग पॉइंट्स काफ़ी सारे मिल जाएंगे, जहाँ पे हमने भी काफ़ी सारे मूवी शूटिंग के शॉट्स लिए। उप्स, दिस इज द एंड पॉइंट ऑफ दैट शूटिंग एरिया। वी आर स्टैंडिंग हियर। So nice to be here. Just feel the magic. बनता है लाइफ में एक बार आना। Our cottages are there. So we'll be viewing the lake all day and night. पैंगोंग लेक वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। कलर तो ग्रीन ब्लू शायद ही कहीं देखी हो। वाओ। पैंगोंग लेक की लंबाई 160 किलोमीटर की है। 1/3 ऑफ पैंगोंग लेक भारत में है, जबकि 2/3 चाइना में है। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर ही चाइना का बॉर्डर है। इसी जगह पर काफ़ी फिल्में जैसे जब तक है जहाँ, दिल से और थ्री इडियट्स की लास्ट सीन फिल्म आई गई। सी द कलर्स, मल्टी कलर्ड, एंड दिस छोटू बॉय डूइंग ऑल द मस्ती। जस्ट फ्रॉम द पैंगोंग लेक।